हेलो दोस्तों, तो आपका डे टू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल हम रात को धौलपुर में ही रुक गए थे, रात को हमने यहीं रेस्ट कर लिया था, तो आज हम चलते हैं धौलपुर से। तो चलिए आज का डे टू का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जितना हो सके मैंने उतना इस ब्लॉग में एक एक अच्छे नज़ारों को कैप्चर करने की कोशिश करी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करें पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। और आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और चलिए नज़ारों का मज़ा लेते हैं और आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली बड़ा ही मज़ा आएगा नज़ारे देखकर। चलिए नज़ारों का मज़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा के यहाँ से फिर चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हम खाना खा के चलते हैं आगे की तरफ। चलिए सो दोस्तों, हमने होटल सुख सागर पे खाना खा लिया है, इसको हम ढाबा भी बोलते हैं हिंदी में, मतलब कि देसी भाषा में हम इसको ढाबा भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर खाना खा लिया है, मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का खाना, तो चलते हैं हम आगे। चलिए चलते हैं।
सो दोस्तों, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपको सोनीपत और पानीपत का भी ब्लॉग दिखाता इसी में, पर ना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो को इतना ही रखा, वीडियो को लेंथ कितना ही रखा। मैं उसको सोनीपत पानीपत के लेंथ ब्लॉग को अगले ब्लॉग में बताऊँगा। उसका नज़ारा इतना बढ़िया था, आपको देख कर आपको पता चलेगा। तो आप नए हो अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।